मुंबई के खिलाफ 13 रन से जीता पंजाब। श्याम करन, हरप्रीत भाटिया के बाद अर्शदीप ने किया कमाल। आईपीएल 2023 के 31वें मुकाबले में पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियन को 13 रन से हरा दिया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में पंजाब ने 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 214 रन बनाए। पंजाब किंग्स एक वक्त 9.3 ओवर में 83 रन पर ही 4 विकेट गंवा चुकी थी। उसके बाद हरप्रीत भाटिया ने 28 गेंदों में 41 रन और कप्तान श्याम करन ने 29 गेंदों पर 55 रन की लाजवाब पारी खेली। समझ रहे हो आप? जवाब में मुंबई की टीम 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 201 रन ही बना सकी। कैमरन ग्रीन ने 43 गेंदों में 67 रन, सूर्य कुमार यादव ने 26 गेंदों में 57 रन और कप्तान रोहित शर्मा ने 27 गेंदों में 44 रन की पारी खेली, लेकिन टारगेट को पूरा नहीं कर सके। आखिरी ओवर अर्शदीप ने गजब की गेंदबाजी की। पंजाब किंग्स से मिली रोमांचक हार के बाद क्या बोले रोहित शर्मा, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि हम आपको डेली क्रिकेट का नया अपडेट देता रहूंगा। और दोस्तों बता दे कि आखिरी ओवर में अर्शदीप ने 2 स्टंप तोड़े। आखिरी ओवर में मुंबई को जीत के लिए 16 रन बनाने थे। मुंबई की ओर से क्रीज पर तिलक वर्मा और टीम डेविड मौजूद थे। गेंदबाजी अर्शदीप सिंह कर रहे थे। पहली गेंद पर टीम डेविड ने 1 रन लिया। अगली गेंद पर तिलक वर्मा कोई रन नहीं बना सके। तीसरी गेंद पर अर्शदीप ने तिलक को क्लीन बोल्ड किया। अर्शदीप ने इस यॉर्कर गेंद पर मिडिल स्टंप 20 से तोड़ दिया। इसके बाद स्टंप बदला गया। चौथी गेंद पर अर्शदीप ने नेहाल बढ़ेरा को भी यॉर्कर फेंकी और फिर से मिडिल स्टंप 20 से तोड़ दिया। इसके बाद फिर से स्टंप बदला गया, नेहाल खाता भी नहीं खोल सके। पांचवी गेंद पर अर्शदीप ने कोई रन नहीं लिया। आखिरी गेंद पर जोफ्रा आचर ने 1 रन लिया। इस तरह अर्शदीप ने आखिरी ओवर में सिर्फ 2 रन खर्च किए और महत्वपूर्ण विकेट लिए। इस तरह से पंजाब ने 13 रन से मैच अपने नाम किया। और दोस्तों बता दे कि रोहित शर्मा ने कहा, हमने मैदान में कुछ गलतियां की लेकिन हम उनकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहते हैं। मैं अपने साथी खिलाड़ियों से कहूंगा कि अपना सिर ऊंचा ही रखे। हम अब तक 3 जीते हैं और 3 हारे हैं। अभी टूर्नामेंट में काफी वक्त बचा है, हमें इस टूर्नामेंट में बने रहना है। मैं सूर्या और ग्रीन की बल्लेबाजी से बहुत खुश हूं। उन्होंने आखिरी तक हमें मैच में बनाए रखा। अर्शदीप को उनकी गेंदबाजी के लिए श्राय देना चाहिए। आज हमारा दिन नहीं था लेकिन हमने अच्छी टक्कर दी। और दोस्तों वीडियो पूरा देख लिए हैं तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए।